TAG TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. TAG TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। Do not live in a fool's paradise. बुशरा खान, सारा आज, सना कादिर, कौकब फारूकी, नरजी जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र स्कूलों की तातीलात 2.5 माह तक बढ़ाने का फैसला। अब स्कूल 1 जून को खुलेंगे। कोरोना वायरस PSL में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों का वतन वापस जाने का फैसला। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने फ्री हैंड मिलने के बाद वापसी के लिए सीटें कन्फर्म करवा ली। कराची में कोरोना का एक और केस रिपोर्ट। मुल्क भर में तादाद 22 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स 2 रोज पहले इस्लामाबाद से कराची पहुंचा था। जल हकीकी मौशी सरगर्मियों की बहाली का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कायम करने का मकसद महंगाई में कमी लाना है। मीर शकीलुर रहमान 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मीर शकील के वकील एतजाज अहसन कहते हैं अचानक कार्रवाई बदनीयती साबित करती है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। कौमी सलामती कमेटी ने कोरोना वायरस के बाइस मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे 5 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद समेत वफाकी वज़रा व सेक्रेटरीज ने शिरकत की। कौमी सलामती इजलास में कोरोना वायरस से मुतालिक सूरत हाल पर गौर किया गया और कौमी सलामती कमेटी ने कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक अहम फैसले किए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि अफगानिस्तान और ईरान के दोनों बॉर्डर्स 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि PSL के जो मैचेस लाहौर मुंतकिल किए गए हैं उनमें तमाशाइयों को शिरकत की इजाजत नहीं होगी और वो बंद स्टेडियम में कराए जाएंगे। कौमी सलामती इजलास में एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स पर निगरानी का अमल सख्त करने, जबकि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अलावा बाकी एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुअत्तल करने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अपने ट्वीट में बताया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क भर में 5 अप्रैल तक तमाम सरकारी व निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जिसमें मदारिस भी शामिल हैं, जबकि 27 मार्च को तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले पर नजरसानी होगी। कोरोना वायरस के बाद सूबे सिंध में तमाम इम्तहानात मुलतवी करते हुए स्कूलों की तातीलात 2.5 माह तक बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे मजीद 2.5 माह तक बंद रखने का फैसला कर लिया। सूबे के तमाम तालीमी इदारे अब 1 जून को खुलेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने तमाम तालीमी इदारों की तातीलात में 15 दिन की तौसी करने का फैसला किया है, जबकि सूबे में मैट्रिक समेत तमाम इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। दूसरी जानब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने भी तमाम तालीमी इदारे 31 मार्च तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए हैं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना था कि 16 मार्च को स्कूल खुलने थे, लेकिन अब सूबाई हुकूमत के फैसले के बाद 30 मई तक बंद रहेंगे। 2.5 माह के दौरान रमज़ान और ईद की छुट्टियां भी गुजर जाएंगी। हम काउंट करें तो 16 मार्च को जब स्कूल खुलने थे, 16 मार्च से लेकर ये स्कूल बंद रहेंगे 30 मई तक, जो तकरीबन 2.5 महीने बनते हैं, और इसमें रमज़ान भी गुजर जाएगा, ईद की छुट्टियाँ भी गुजर जाएंगी।
इस हवाले से खातून टीचर हुमा हफीज का कहना था कि इम्तिहानात का वक्त सर पर आ गया है, लेकिन हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है तो हम हुकूमत के फैसले के साथ हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में तदरीसी अमल बिल्कुल रुका हुआ है। ताहम हमने तलबा और तालिबात को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल पीक टाइम है बच्चों के इम्तहानों का, और ज़ाहिर इम्तहान होंगे तो नया तालीमी सेशन शुरू होगा, लेकिन जो पूरे दुनिया में चल रहा है कोरोना वायरस की वबा की वजह से, तो इसकी वजह से अचानक हुकूमत ने फैसला किया है और ज़ाहिर हम हुकूमत के फैसले के साथ रहेंगे। जो उन्होंने प्रिकॉशन लिए हम भी कर रहेंगे, लेकिन है पीक टाइम। अब स्कूलों में तदरीसी अमल तो बिल्कुल रुका हुआ है, लेकिन ज़ाहिर बोर्ड के इम्तहान की वजह से हमें एडमिट कार्ड इशू करने, उसके लिए हमने कुछ बच्चों को बुलवाया है ताकि अगर बोर्ड कुछ अनाउंस करता है तो उनके पास एडमिट कार्ड उनके पास मौजूद रहे। एक तालबा आयशा मोहम्मद हनीफ का कहना था कि यकीनन कोरोना वायरस की वबा दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन कम से कम बच्चों के इम्तिहानात तो होने चाहिए। फैसले से बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है, जितना याद किया हुआ है 3 माह बाद वो तो हम भूल जाएंगे। कोरोना वायरस तो हो रहा है इतना तो पता है, बट स्कूल बंद करना ये क्या मतलब कि मतलब बच्चे आए स्कूल में पढ़ने, आप पेपर तो दिलवा दें बच्चों के, भले 8 तक के अगर वो नहीं लेना चाहते तो ठीक है, पर हमारा तो मुस्तकबिल बीच में आ गया है ना, तो 3 महीने में तो हर बच्चा भूल जाएगा, जितना भी याद किया होगा सब भूल जाएगा। एक शहरी मोहम्मद इमरान का कहना था कि हुकूमत के फैसले से बच्चों की तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, समझ से बाहर है इम्तिहानात के ऐन मौके पर 2.5 माह की छुट्टियाँ दे दी गई हैं। बच्चों की तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिनके फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं उन्होंने छुट्टियां दे दी हैं 2 महीने की। अब हुकूमत सिंध को ये सोचना चाहिए कोरोना वायरस के साथ साथ बच्चों की तालीम के बारे में भी, उनकी तालीम जो मुतासिर हो रही है, और इसके लिए कोई रद्द अमल कायम करें। कोरोना वायरस के पेश नज़र PSL में शामिल बास गैर मुल्की खिलाड़ियों ने वापस जाने का फैसला कर लिया, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PCB के मुताबिक कोरोना वायरस के पेश नज़र PSL में शामिल बास गैर मुल्की खिलाड़ियों ने वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद PCB ने भी खिलाड़ियों को अपने वतन वापस जाने की इजाज़त दे दी है। फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने के डर से खिलाड़ी वापसी के ख्वाहां हैं। तर्जुमान PCB बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ियों को फैसले का हक हासिल है, खिलाड़ियों ने अपना हक इस्तेमाल किया तो बाकायदा ऐलान करेंगे। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में मजमू तौर पर कोरोना मरीजों की तादाद 22 हो गई है। कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, शहर कायद में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया है, जिसके बाद मुल्क भर में केसेस की तादाद 22 हो गई है, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमे सेहत के मुताबिक कराची में कोरोना वायरस का एक और केस रिपोर्ट हुआ है। 52 साल शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि मुतासर शख्स 2 रोज पहले इस्लामाबाद से कराची पहुंचा था। महकमे सेहत का कहना है कि नया केस सामने आने के बाद कराची में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 15 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस के मुबतला 2 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। वाजह है कि मुल्क भर में मजमू तौर पर कोरोना मरीजों की तादाद 22 हो गई है, जबकि हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र तालीमी इदारे 31 मई तक बंद रखने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में ईरान से आने वाले 1900 पाकिस्तानी जायरीन को करंटीना की 14 रोज की मुद्दत पूरी होने पर तफ्तान से कोयटा रवाना कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चागई ने बताया कि पाकिस्तान हाउस में मुकीम 1900 से जायद जायरीन को लेवीज और FC की सख्त सिक्योरिटी में तफ्तान से कोयटा रवाना किया गया। उन जायरीन ने अपने करंटीना की 14 रोजा मुद्दत पूरी कर ली थी। जायरीन के काफिले में 50 से ज्यादा बसें शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान के मुताबिक ईरान से पाकिस्तानी जायरीन की आमद का सिलसिला है और मजीद 227 जायरीन तफ्तान पहुंच गए हैं। अब तक ईरान से आने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 6000 से ज्यादा हो चुकी है। उधर चमन में जीरो पॉइंट पर पाक अफगान बाप दोस्ती 12वें रोज भी बंद है। कस्टम हुकाम के मुताबिक सरहद की बंदिश के बाद न सिर्फ नेटो सप्लाई और अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत हर किस्म की तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। इसके साथ साथ पैदल आमदोरफ्त और FIA इमिग्रेशन भी बंद है। कबिल अजीन शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान सूबा सिंध के सदर अल्लामा सैयद नाजिर अब्बास तकवी का बयान सामने आया था कि तफ्तान करंटीना में मुद्दत पूरी करने वाले जायरीन को रोकना दुरुस्त नहीं। उनका कहना था कि नाकिस इंतजामात के बाद सेहतमंद जायरीन मुसाफिरों के बीमार पड़ने के खदशात बढ़ रहे हैं। जायरीन के मसाइल के काबिल कबूल और मुनासिब हल के लिए रिवायती अंदाज से हटकर संजीदा कोशिशों की अशद जरूरत है। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।
कुछ बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर रजा बाकर ने जोर दिया है कि मुल्क में स्टेट बैंक और हुकूमत की जानिब से हालिया मौशी असलाहत के आगाज से मुल्क में जल्द ही हकीकी मौशी सरगर्मियों की बहाली का इम्कान है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर ने एक सेशन से खिताब में कहा कि मार्केट की बुनियाद एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी कायम करने का मकसद ये है कि महंगाई में कमी लाई जाए और ये मईशत के इस्तेकाम और अगले मरहले में मौशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अहम कदम है। इस सेशन में खत्ते भर के सफ़े अव्वल के मालियाती इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मारूफ बैंककार अली सुल्तान ने कहा कि UAE में सफ़े अव्वल के सरमायाकार इदारों की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से बातचीत नहायत कारामद रही क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक ने हुकूमत की इस्लाहात और मौशी पॉलिसियों पर ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं एहतसाब अदालत ने मीर शकीलुर रहमान को 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। उन्हें साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से 54 प्लाटों पर रियायत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। नैब ने लाहौर की एहतसाब अदालत में मीर शकीलुर रहमान को पेश किया। नैब प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला ने दलाइल के दौरान कहा कि मीर शकील ने नवाज शरीफ की वजारत आला के दौर में 54 प्लाटों पर रियायत हासिल की जो गैर कानूनी है। मीर शकील के वकील एतजाज हसन का कहना था कि उनके मौकिल ने प्राइवेट अफराद से जमीन खरीदी, LDA ने अगर रियायत दी है तो मोहम्मद हिकमत अली और दीगर को दी। 34 साल पुराने जुर्म से मुतालिक नैब खामोश रहा, अचानक कार्रवाई शुरू करके गिरफ्तार करना बदनीयती साबित करता है। नैब ने मुल्जिम का मौकिफ नहीं सुना और गिरफ्तार कर लिया। मीर शकील नैब के सवालों के जवाब लेकर गए थे। अदालत ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद मीर शकीलुर रहमान को 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। भाई उम्मा के महाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा, तनाकादी, कौकब फारूकी, फारूकी, टैग टीवी पाकिस्तान।